आज हम इतिहास का वह अध्याय खोलेंगे जिसे सुनकर आपको शायद आंखों में नमी आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग संवेदनशील भी होते हैं और ज्ञानी भी। और आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश है। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश में राजा सिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी प्रमुख राजा थे। सातवाहन राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन साम्राज्य की राजकीय भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। दोस्तों, भारतीय भाषा के मध्ययुग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत है, और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन सबको समुच्चय रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक माना जाता था कि ब्राह्मी लिपि का विकास 4वीं से 3वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्यों ने किया था, पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के ताजा उत्खनन से पता चला है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6वीं सदी ईसा पूर्व से ही विद्यमान थी। दोस्तों, शालिवाहन वंश के समय, इस समय अमरावती कला का विकास हुआ था। सातवाहन राजवंश में मात्र सत्तात्मक प्रचलन में था, अर्थात राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों, लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी वंशानुगत ही होता था। सातवाहन राजवंश के द्वारा जनता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। सातवाहन राजाओं ने चांदी, तांबे, सीसे, प्रोटीन और कांसे के सिक्कों का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने किया था, जिसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में है। राजा शालिवाहन सातवाहन राजवंश के सबसे प्रतापी व महान राजा थे। उनके शासनकाल में यह राजवंश अपनी चरम सीमा पर था। राजा शालिवाहन की मां गौतमी प्रजापति ब्राह्मण कुंभार थी। राजा शालिवाहन का जन्म आदिशोषण की कृपा से हुआ था। मत्स्य पुराण के अनुसार राजा शालिवाहन का बचपन समस्याओं से भरा हुआ था, परंतु राजा शालिवाहन को ईश्वर की घोर तपस्या के फल स्वरूप अनेकों वरदान प्राप्त हुए, जिससे राजा शालिवाहन ने राजपाट और युद्ध के क्षेत्र में महारत हासिल की। इसलिए इन्हें दक्षिण पथ का स्वामी एवं वर्दिया वरदान प्राप्त करने वाला कहा जाता है। वर्तमान में सातवाहन राजवंश की शाखाएं वराडिया महाराष्ट्र, वर्दिये या वर्दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सवानसोलकिया मध्य प्रदेश आदि प्रमुख हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।